आज एक्चुअली एक्सपायरी है और हमने एक पोल किया है कि एक्सपायरी कहाँ तक हो सकती है, और इसलिए हमारे साथ रजत भी जुड़े हुए हैं इसके बारे में बात करने के लिए. रजत बताइए, पोल क्या बता रहा है और रोल ओवर्स कैसे लग रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, पहले तो पोल की बात करते हैं, क्योंकि पोल हमने उतारा था दो दिन पहले. ब्रोकर्स का औसत कैलकुलेशन यहां पर किया था कि वो क्या समझ रहे एक्सपायरी कहां कटेगी. उस समय मार्केट इतना गिरा नहीं था, लेकिन अब ये जो लेवल्स थे 9860 जो एक रेंज समझी जा रही थी मैक्सिमम ब्रोकर्स की इसमें एक्सपायरी कटेगी, ये वॉयलेट हुई. कल इसके नीचे गए और 9740 के आसपास बंद हुए. लेकिन अब मैं कुछ अहमियत बताता हूं कि 9800 लेवल्स के और इसके ऊपर के और 9730 की क्या अहमियत है, जिसके हिसाब से मार्केट्स जो हैं वो हो सकता है ट्रेडिंग बाउंस दें. देखिए कुछ बड़ी बातें हैं. एक तो ये जो एक्सपायरी कट रही है ना, इसमें लगभग 42% का औसत ये रोल ओवर निकल के आया है, जो औसत से कम है. आमतौर पे 47% के आसपास का रोल ओवर फिगर होता है, उससे कम इस बार रोल ओवर फिगर है. 2% के आसपास जरूर गिरे हैं, लेकिन जिस लेवल पे अभी खड़े हैं वो है 100 DMA, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं जनवरी के से लेकर अब तक कि इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया. और आज है एक्सपायरी का दिन. 60 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रेड ट्रैक पे हम टूटते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पुल बैक ट्रेड आज शुरुआती सत्र में मार्केट में बनता हुआ नजर आए. रोल ओवर फिगर्स जहां पर पॉजिटिव है वो NBFCs, मेटल और फार्मा, इन पॉकेट्स पे नजर रखी जा सकती है. जहां पर नेगेटिव रोल्स हैं वहां पर है टेलीकॉम, सीमेंट और FMCG. लगातार नेगेटिव ट्रेड इस सीरीज में बनते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ आंकड़े मैं आपको और बता दूं, जहां पर जैसे मैंने बताया 42% के रोल ओवर फिगर निफ्टी पे है, निफ्टी बैंक पे 40%, और यहां पर भी रोल ओवर फिगर कम है. लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच, इन्फीबीम नेगेटिव सौदा है सीरीज का, 83% रोल ओवर हो चुका है. दीवान हाउसिंग ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सीरीज के लिए, इसमें 68% के रोल ओवर फिगर्स हैं, जो औसत के मुकाबले भी ज्यादा हैं. डाबर इंटरेस्टिंग है, मात्र 1% के आसपास टूटा है, लेकिन 66% का रोल ओवर फिगर्स दे रहा है. एक अच्छे रोल ओवर, एक अच्छे सेट यहां पर निकल के आ रहे हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग, ग्लेनमार्क और सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे मैक्सिमम रोल ओवर है इस समय. और इंडिया बुल्स हाउसिंग तो दिसंबर सीरीज से वायदा कारोबार का हिस्सा भी नहीं होगा, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो जाए स्टॉक में. जहां पर कम रोल ओवर है उसमें NIT टेक है, ब्रिटानिया, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे कम रोल ओवर फिगर है. लेकिन एक इंटरेस्टिंग पिक है, वो है डेविस लैब्स, ये इस सीरीज का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है और 34% के मात्र रोल ओवर फिगर है. तो बड़े सौदे कुछ कैरी नहीं हो रहे हैं अगले सीरीज में, इस सीरीज में बहुत स्ट्रांगली एस्केलेशन देख चुके हैं हम. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पावर ग्रिड और जुबिलेंट फूड्स, यहां पर कम रोल ओवर फिगर्स निकल के आए. ठीक है, तो ये सारा रोल ओवर का डाटा, इसमें आपको स्टॉक्स पता लगा, इंडेक्स और रोल ओवर की सीरीज एक हिसाब से कहां पे कट सकती है ये आपके सामने. 18 अंकों के नुकसान के साथ अभी SGX निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं. मेरे साथ किरण जादव भी अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जिनसे हम कुछ डेरिवेटिव्स की कॉल समझेंगे. आशीष चतुर्मोता भी होंगे, लेकिन प्रशांत कोई और कॉल, कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं इस समय? देखिए एक सजेशन है हमारे लिए, यू नो वी आर ट्रैकिंग रबड़ प्राइजेस वेरी क्लोजली. अगर हम कल के सत्र में देखेंगे तो रबड़ प्राइजेस कोई 206 yen पर केजी के ऊपर क्लोज हुए हैं, जो 4-5% की गिरावट है रबर प्राइजेस में. तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि शायद एक ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं. वो लॉन्ग का ट्रेड रहेगा हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर. तो अगर ये कॉल अगर हमारी चलती है तो इसके अंदर हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है. तो उसके अंदर हमारा 1678 के ऊपर कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने क्लोजिंग दी, तो उसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1635 का रहेगा फॉर टारगेट्स ऑफ अबाउट 1750. चलिए ठीक है, ये कुछ एक आपको टायर कंपनीज पे ध्यान रखना. वैसे भी टिपिकली एक्सपायरी से पहले टायर कंपनीज में मोमेंटम आता ही है, तो प्रशांत ही कह रहे हैं कि सेगमेंट पे भी ध्यान रख के आप ट्रेड कर सकते हैं. सुपरफास्ट फ्यूचर्स को शुरू करते हैं. इम्तियाज बताइए, आपके टॉप FNO स्टॉक कॉल्स क्या हैं? देखिए अनिशा, दो चीज़ है यहाँ पे. डॉलर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा इन पे होता है. TCS हाई बीटा स्टॉक फ्रॉम IT सेक्टर्स, इस पर दाव लगाना चाहूँगा. 2470 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, टारगेट होगा 2545 का. और दूसरा है लुपिन के ऊपर बाय करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल में मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है. 990 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है विथ फॉर द टारगेट ऑफ 1030 के आसपास का. ठीक है, एक तो TCS है, 2545 का टारगेट है, आप इस पे ध्यान रखें. एक ल्यूपिन है, 1026 तक का टारगेट है. और तो ये दोनों शेयर्स हैं इम्तियाज की तरफ से, एक तो रुपी का करेंसी का आपको पता है इफेक्ट है, और दूसरा अपने आप में डिफेंसिव है. अच्छा, किरण यादव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं. किरण शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए. आपके आज का ट्रेड कौन से सर? मेरा पहला स्टॉप रहेगा OFSS, जहाँ पे बाय करने की सलाह है. स्टॉप लॉस रहेगा 3520 का और टारगेट 3620 के देखने को मिल जाने चाहिए.
ठीक है, और दूसरा शेयर कौन सा है सर? एक और एकल फाइनेंस का डिफेंसिव क्षेत्र से नेस्ले, जहाँ पे स्टॉप लॉस 7060 का रहेगा और टारगेट 7200 के देखने को मिलता है। 7200 है सर। आज निफ्टी का आप लोअर एंड का देखते हैं, कहाँ तक टूट सकता है, टूटा कहाँ तक चला तो पुल बैक कहाँ तक आएगा? देखिए, जो एक्सपायरी का डेटा अगर स्टडी करते हैं तो मेरा मानना है कि एक्सपायरी करीबन 9775 से लेकर 9800 तक आ जानी चाहिए, यानी निचले स्तर से अच्छी खासी पुल बैक सेकेंड हाफ में देखने को मिल जानी चाहिए। इसके लिए मेरा मानना है कि अगर 9700 के करीब मिलता है निफ्टी, जो कि एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, तो उधर बाइंग करके ही चलना चाहिए। स्विंग बॉटम था पिछला, तो वो था 9685, तो 9675 या 9670 का स्टॉप लॉस रहा कि बाय करना चाहिए 20-25 पॉइंट का रिस्क लेके, और टारगेट में जैसे मैंने कहा 9775 से लेके 9800 तक देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आशीष चतुर्मोता भी हैं। आशीष, आपकी टॉप एफएनओ कॉल्स आज के लिए क्या है? और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट साइड था पर्टिकुलरली कैनेडा बैंक, जिसमें कल हमने देखा 8.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा था और 3% स्टॉक करेक्ट हुआ, तो काफी सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप बना है। यहाँ पर तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है 324 के स्टॉप लॉस से, 308 तक के नीचे टारगेट कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी हमारी पिक है लॉन्ग आइडिया में कोल इंडिया के अंदर, जहाँ पर हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही अच्छा एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा वॉल्यूम्स लोअर लेवल से पिक होते हुए देखने को मिल रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। 255 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 270 तक के टारगेट कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया एक और पिक है जो कि लगातार कई दिनों से मिल रही है, कल भी अंतिम बाजी में बीटीएसटी के तौर पर मिली थी, तो आज अब इस सीरीज को आप देख सकते हैं। आप अक्टूबर सीरीज में भी लेना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, 270 तक का टारगेट है। आशीष, कोई ऑप्शन का सौदा है? देखिए, डीएलएफ के अंदर में काफी अग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और मैं समझता हूँ कि एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए अगर से एक एक्सपायरी प्ले करना हो तो 160 का पुट इसी सीरीज की लेना चाहिए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में मुझे लगता है प्रीमियम 3.5-4 रुपए तक होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैसा डबल करना हो सिर्फ आज ही आज में 8-9 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में, तो डीएलएफ की 170 की सितंबर वाली जो आज खत्म हो रही है, ये 2 रुपए की आपको पुट मिलेगी, आप ले सकते हैं, 1 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ये 4 रुपए तक आ सकती है, तो कम पैसे में आज अगर आप बोनी भी करना चाहें तो इसके साथ एक बार देख सकते हैं, ये डीएलएफ के साथ 2 रुपए की पुट है, 170 के स्ट्राइक की है। किरण, आपका कोई ऑप्शन ट्रेड है आज के लिए? नहीं, आज मेरा कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है किरण, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ये कुछ एक ट्रेड्स हैं जो एफएनओ के आपके सामने हमने रखे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अभी तक जितने भी आंकड़े रखे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि पुल बैक तो मिलेगा, लेकिन कितना स्ट्रांग होगा उसको कहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल बने रहिए जी बिजनेस के साथ, लगातार इसकी पैमाइश, इसका एनालिसिस हम जारी रखेंगे।